नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हम लोगों के पास में मान के चलिए 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन है और उसको बदलकर हम लोग अगर गोल्ड की ज्वेलरी बाई करना चाहते हैं तो हम लोगों को कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा और कितने रुपए में जो है हम लोगों को न्यू ज्वेलरी पड़ेगी और कितने रुपए में हमारा जो है ओल्ड गोल्ड कॉइन जो है वो सोल्ड आउट होगा। तो दोस्तों आइए समझ लेते हैं कि हम लोग ये जो है किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो गोल्ड प्राइस हम लोगों ने काउंट किया है वो 51,720 रुपये पर 10 ग्राम के लिए किया है। मतलब अगर हम लोग 1 ग्राम का गोल्ड प्राइस निकाले तो 5172 24 कैरेट का गोल्ड कॉइन का प्राइस है। तो दोस्तों अगर इस हिसाब से हम लोग एक्सचेंज वैल्यू इसकी निकाले, क्योंकि आप लोग जब भी किसी ज्वेलर के यहाँ पे कोई भी अपना जो ओल्ड गोल्ड है या फिर गोल्ड का कॉइन है वो एक्सचेंज करने के लिए जाते हो तो उन लोगों का सेल रेट और एक्सचेंज रेट थोड़ा बहुत अलग होता है। हर ज्वेलर के यहाँ ये नहीं होता, लेकिन 80% ज्वेलर्स जो है सेलिंग रेट और बाइंग रेट थोड़ा सा अलग रखते हैं। तो आप लोगों को इसकी जानकारी भी होनी चाहिए, आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। अगर है, अगर मान के चलिए कि डिफरेंस है सेलिंग रेट और बाइंग रेट में, तो मान के चलिए 51,720 रुपीज आज का हम लोग प्राइस पकड़ लेते हैं और 99.5% जो है जो गोल्ड कॉइन होता है जिसको ज्वेलरी में ज्यादातर यूज किया जाता है उसका जो प्राइस हम लोग पकड़ लेते हैं तो 51,461 रुपीज में आप लोगों का जो गोल्ड कॉइन है वो सोल्ड आउट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर सपोज टू बी ये नहीं होता बाइंग रेट और सेलिंग रेट में डिफरेंस, तो हम लोग जो है इसी वैल्यू को जो है काउंट करेंगे और राउंड फिगर मैंने यहाँ पे 51,500 रुपये आज का जो है गोल्ड का सेलिंग रेट पकड़ा हुआ है। अब दोस्तों अगर हम लोग उसी के अगेंस्ट में नई ज्वेलरी बाई करते हैं और वो ज्वेलरी जो है 22 कैरेट 916 हॉलमार्क, वो भी हॉलमार्क होनी ही चाहिए, तो वो हम लोगों को कितने में पड़ेगी वो मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए 51,720 जो है 24 कैरेट का प्राइस है, तो अगर हम लोगों को 22 कैरेट का प्राइस निकालना है तो 51,720 इंटू 92% करना होगा, मतलब कि 47,582 रुपीज जो है आज हम लोगों का 22 कैरेट का 10 ग्राम का जो है गोल्ड प्राइस हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, हो सकता है किसी किसी ज्वेलर्स के यहाँ पे ये गोल्ड प्राइस जो है 48,000 भी हो या फिर 48,100 भी हो, क्योंकि क्या होता है कोई कोई ज्वेलर गोल्ड प्राइसेस जो है वो थोड़े से ज्यादा रखते हैं और मेकिंग चार्जेस उस पर कम ले लेते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को मार्केट में भी जो है गोल्ड प्राइसेस में डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर मेकिंग चार्ज क्या लगेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 15% जो है मेकिंग चार्ज लेके चल रहा हूँ, कभी कभी आपको 10% भी लग सकते हैं, कभी कभी 12% भी लग सकते हैं, 15% भी रख सकते हैं, जैसी ज्वेलरी की डिजाइन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैंने यहाँ पे 15% जो है कैलकुलेट करके मैं यहाँ पे चल रहा हूँ और आप लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों का 22 कैरेट का 10 ग्राम का गोल्ड प्राइस क्या था, 22 कैरेट का 10 ग्राम का गोल्ड प्राइस था 47,582 रुपीज। अब इसका इंटू 15% अगर हम लोग करते हैं तो हम लोगों का जो आज का मेकिंग चार्ज लग जाएगा 7,137 10 ग्राम के लिए लगेगा, मतलब पर ग्राम हम लोगों को 713 रुपये जो है पर ग्राम मेकिंग लगेगी। अब यहाँ पे आप लोग 10% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 10% के हिसाब से निकल जाएगा, जैसे आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं वैसे आप लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग जीएसटी की बात कर लेते हैं, तो जीएसटी निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो गोल्ड का प्राइस है 22 कैरेट हॉलमार्क का, उसके बाद में जो मेकिंग है 10 ग्राम के की जो मेकिंग है वो मैंने यहाँ पे काउंट की है 7137, इसको इज इक्वल टू करेंगे तो 54,719 रुपीज का जो है 3% जो है आप लोगों का जीएसटी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 54,719 इंटू 3% बराबर 1641 रुपये जो है आप लोगों का जीएसटी हो जाएगा। अब अगर हम लोग टोटल 10 ग्राम की ज्वेलरी की बात करें तो 10 ग्राम की जो ज्वेलरी है 47,582 प्लस 7137 ये मेकिंग चार्ज हो गया, ये गोल्ड का प्राइस हो गया 10 ग्राम का, इसके बाद में ये 1641 रुपये जीएसटी हो गया। अब कोई कोई ज्वेलर्स जो है जीएसटी लेते हैं, कोई कोई नहीं लेते हैं, कोई कोई बिलिंग में करता है, कोई कोई अनबिल्ड में ज्वेलरी सोल्ड करता है, लेकिन आप लोगों को जो है पक्के बिल के साथ में ही ज्वेलरी बाई करनी चाहिए क्योंकि फ्यूचर के लिए वो अच्छा होता है। तो जहाँ पे जीएसटी नहीं लग रहा होगा वहाँ पे आप लोग जीएसटी लेस कर दीजिएगा। तो आप लोगों को जो गोल्ड का प्राइस पड़ रहा है वो 56,360 रुपीज पड़ रहा है 10 ग्राम 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी का, मतलब आप अगर गोल्ड की ज्वेलरी आज 10 ग्राम की बाई करते हैं 22 कैरेट हॉलमार्क की, एग्जैक्ट 10 ग्राम की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो 56,360 में पड़ रही है। तो 56,360 और हम लोगों की जो एक्सचेंज वैल्यू थी गोल्ड कॉइन की 10 ग्राम की, जो मान के चलिए आप 999 का गोल्ड कॉइन था,
तो इसकी जो एक्सचेंज वैल्यू है वो लेस करने के बाद में आपको 4,640 रुपये जो है वो पेड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये सवाल जो था हमारे एक व्यूवर ने हमसे पूछा था, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप लोगों को चार्जेस जो है एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे और कितने पेड करने पड़ेंगे। अब अगर आप लोगों के पास में मान के 4,640 ये भी पैसे नहीं है ज्वेलर को देने के लिए, तो उस कंडीशन में आप एक काम कर सकते हो कि जैसे मान के चलिए आज जो है आपका 56,360 मतलब 56,360 रुपये में 10 ग्राम जो है हॉलमार्क का गोल्ड पड़ रहा है आप लोगों को, लेकिन आपकी ज्वेलरी की एक्सचेंज वैल्यू है 51,720। तो आप लोगों को क्या करना है, 51,720 इसको जो है डिवाइड कर देना है 5,636 से। ये आपको दिख रहा है ना, 5,636 डिवाइड कर देना है 5,636 से। तो जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उतने ग्राम की आप जो है ज्वेलरी बाई कर सकते हैं, अगर एग्जैक्ट ज्वेलरी आप लोगों को बाई करनी है तो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।